हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को ख़तरनाक टाइप का ट्रेंडिंग फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं, जो आप लोग प्रीव्यू में देख ही चुके होंगे। तो VN एप्लीकेशन पर अपना जो लिरिक्स का वीडियो है जो शुरुआत में आएगा, उसे ऐड कर लेने के बाद अपने रेजुलेशन के हिसाब से उसे जूम इन जूम आउट कर लेना होगा। तो मैं अपने रेजुलेशन के हिसाब से कर लेता हूँ। फिर ऊपर लेयर वाले ऑप्शन में इसी वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इसे मतलब कि जूम करके इसका जो नीचे वाला जो जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का एक मतलब कि एक क्लिप हमें लेना पड़ेगा। तो मैं पूरा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि टेक्स्ट हमारा स्क्रीन में ना आए, क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है टेक्स्ट का ये 16:9 रेशियो का है। तो मुझे इसे 9:16 रेशियो में बनाना है। तो इसलिए मैंने इसे नीचे ऊपर ऐसे दो मतलब कि पार्टिकल ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं पहले इसे ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं इसी लेयर को डुप्लीकेट कर दूंगा। पहले तो मैं इसे मास्क पे जाकर लीनियर वाली जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करके ये जो दोनों भागों में स्प्लिट हुआ है इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, मतलब कि मर्ज कर लेता हूँ। अब ऊपर वाला जो लेयर का पार्ट है इसे डुप्लीकेट करके फिर टेक्स्ट के ऊपर वाले ऑप्शन पर ले जाने के बाद इसे फिर से हमें मास्क पर जाके लीनियर वाले ऑप्शन पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो आप लोग कर सकते हो, अब देख ही सकते हो मैं जो स्प्लिट किया हूँ मैंने वो उतना अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि मैंने वो एकदम अच्छी तरह से मैंने उसे मर्ज कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले आप लोगों को अपना जो म्यूज़िक है वो लगा लेना होगा। अगर आप लोगों का जो टेक्स्ट का जो वीडियो है इस पर अगर म्यूज़िक है लिरिक्स का वीडियो में, तो इससे पहले एक्स्ट्रा ऑडियो कर लेना होगा। तो मैंने कर रखा है, तो आप लोग कर लेना। अगर आपका म्यूज़िक वाली जो वीडियो है उस पर अगर टेक्स्ट का वीडियो है उस पर अगर म्यूज़िक है तो फिर आप लोगों को प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना जितना सारा फ़ोटो ऐड करना चाहते हो सारे फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद म्यूज़िक को आप लोग एक बार सुनकर बीट मार्क को मार्क कर लेना, मतलब कि आपका जो म्यूज़िक का जहाँ से आप फ़ोटो देना चाहते हो जिस बीट से। तो मैंने वो मैं मार्क कर लिया। अब मैं उसके हिसाब से नीचे वाला जो लिरिक्स है उसे मैं स्प्लिट करके हटा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं थोड़ा और हटा देता हूँ क्योंकि मुझे बीट वाला ऑप्शन, जब बीट स्टार्ट होगा तब से मेरा फ़ोटो स्टार्ट हो जाएगा, फ़ोटो का जो एनिमेशन है वो, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला लेयर कलर वाला जो फ़ोटो है उसे भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आपका म्यूज़िक का अगर कम टाइम का है, मतलब कि म्यूज़िक का बीट, तो उसे आप डुप्लीकेट कर सकते हो म्यूज़िक का बीट को, मतलब कि स्प्लिट करके, जो मैं अभी कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। तो लास्ट वाला जो म्यूज़िक का पार्ट है जो मैंने अभी स्प्लिट किया इसे मैं डुप्लीकेट करके साइड में फिर से लगा दूंगा, तो मेरा जो बीट है ये बड़ा हो जाएगा, मतलब कि बीट हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से ऐसा कर लेना। फिर आप लोगों का जो फ़ोटो है उसे आप लोगों को फोटो का जो अंडरलाइन है 2 सेकंड तक उसे आप लोगों को कम कर देना होगा अपना म्यूज़िक का बीट के हिसाब से। आप लोग अपना म्यूज़िक का बीट के हिसाब से कर लेना, ठीक है। और मैं ऐसा ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो मेरा इस चैनल का वीडियो वाले सेक्शन में। तो मैं अपना फ़ोटो को अपने म्यूज़िक का बीट के हिसाब से एकदम जूम कर लेता हूँ, मतलब कि एकदम ही जो फ़ोटो का अंडरलाइन आप देख ही सकते हो 1 सेकंड से भी कम है। तो ऐसा मुझे मेरा सारे फ़ोटो को कर लेना होगा अपने म्यूज़िक का बीट के हिसाब से, ठीक है। आपका म्यूज़िक का बीट अगर ज़्यादा है तो आप लोग अपना म्यूज़िक का बीट के हिसाब से कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपना म्यूज़िक का बीट के हिसाब से आप लोगों को फ़ोटो लगाना पड़ेगा, ताकि फ़ोटो में जो एनिमेशन हो VFX लगाना होगा, FX लगाना होगा, फ़ोटो में एनिमेशन करना होगा, तो सब अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद फिर से मैं इसी वीडियो को एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसी एप्लीकेशन को और भी काम करना पड़ेगा इसी वीडियो का ऊपर, वो भी मैं दिखा दूँगा। तो मेरा म्यूज़िक का बीट के हिसाब से मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ, आप लोग अपना म्यूज़िक का बीट के हिसाब से स्प्लिट कर लेना, ठीक है। और आप लोग कौन सी टाइप का एडिटिंग चाहते हो वो भी मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो ला कर दूंगा आप लोगों को। और यहाँ पर मैं जो सोल लैंड एनिमी होता है, जो चाइनीज कोरियन एनिमी देखते हैं उन लोगों को पता है वो जो एनिमी होता है उस एनिमी का कैरेक्टर का मैंने यहाँ पर फ़ोटो लिया है। आप लोग अगर एनिमी के ऊपर वीडियो चाहते हो कि एनिमी कहाँ से देखा जा सकता है मुझे कमेंट करना, तो मैं इसी चैनल पर उससे रिलेटेड भी वीडियो लेकर आप लोगों को दिखा दूंगा। क्योंकि सोल लैंड एनिमी का जितना सारा एपिसोड है सारा एपिसोड मैं देखता हूँ, और अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं उसका एक लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहो तो आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा सारा फ़ोटो को मैं क्रॉप कर लेता हूँ, मतलब कि अंडरलाइन को जूम कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। अगर आप लोगों का वीडियो का म्यूज़िक के हिसाब से फ़ोटो कम पड़े तो आप लोग एक्स्ट्रा फ़ोटो भी ऐड कर सकते हो, तो मैं फिर से अपना फ़ोटो ऐड कर लूँगा एक्स्ट्रा फ़ोटो, ठीक है।
तो मैंने एक्स्ट्रा फोटो फिर से 3 ऐड कर दिया। अब इसे भी हमें मतलब कि सेम प्रोसेस में इसे भी छोटा करना पड़ेगा, इस फोटो का अंडरलाइन को भी हमें छोटा करना पड़ेगा अपने म्यूजिक के हिसाब से, म्यूजिक जितना तक है उतना तक, ठीक है। तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना फोटो मतलब कि छोटा कर लेना। उसके बाद मैं आप लोगों को इस पर VFX एनिमेशन इफेक्ट्स सब कुछ लगा के दिखाऊँगा, ठीक है। और आप लोग तो प्रीव्यू देखकर समझ चुके होंगे कि ये वीडियो कैसा बनने वाला है। अगर वीडियो पसंद है तो आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो मैं अभी अपना जो फोटो है वो सारे को एक बार प्ले करके देख लेता हूँ अपना वीडियो को। अभी हमारा जो एनिमेशन इफेक्ट्स है वो देना बाकी है, तो अपना मेन जो अंडरलाइन है इसको थोड़ा जूम कर लेना होगा ताकि इसमें जितना सारा स्प्लिट वाला पार्ट है वो हमें अच्छी तरह से दिखाई दे, क्योंकि स्प्लिट वाला पार्ट में आप लोगों को प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो जो रहना ज़रूरी है। अगर आप लोग जूम नहीं करते तो आप लोगों को प्लस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जूम करने के बाद प्लस का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और प्लस का ऑप्शन रहना ज़रूरी है क्योंकि एनिमेशन ये तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि उस ऑप्शन से आके आपको जाके आगे में एनिमेशन लगाना होगा, ठीक है। तो उस अपने म्यूजिक पर अगर आप लोग वीडियो फुटेज पर स्प्लिट नहीं करते तो उसे स्प्लिट करने के बाद उसे जूम कर लेना, ठीक है। तो मैं अभी जूम कर लिया और अभी देख सकते हो आप लोग कि प्लस का ऑप्शन देखने को मिल गया। अभी इसी ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे मैं नीचे इफेक्ट्स वाली ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद मैं इफेक्ट्स लगा लेता हूँ अपना म्यूजिक की। सबसे आप लोग इफेक्ट्स लगा लेना, तो मैं इफेक्ट्स लगा लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं एनिमेशन लगाऊंगा। तो आप लोग जो जो इफेक्ट्स लगाना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लेना। अगर मैं जो जो इफेक्ट्स लगाया उसको भी अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लेना, ठीक है। तो मैं हर एक इफेक्ट्स मतलब कि जितना सारे इफेक्ट्स है उनमें से ज़्यादातर इफेक्ट्स मैं हर एक पार्ट में ऐड करूँगा, और ऊपर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है दो साइड में, मतलब कि एक आग फोटो नेक्स्ट फोटो आने का और पीछे वाला फ़ोटो आने का। तो मैं जो राइट साइड में ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फोटो आ जाती है, तो उस पर क्लिक करने के बाद फोटो आने के बाद अपना जो नीचे इफेक्ट्स है उसे क्लिक कर देना, तो इफेक्ट्स ऐड हो जाएगा। मैं हर टाइप का इफेक्ट्स ऐड करता हूँ ताकि वीडियो अच्छा लगे। आप लोग अपने हिसाब से इफेक्ट्स ऐड कर लेना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स है, ठीक है। तो मैं हर एक फ़ोटो में ऐड कर लेता हूँ क्योंकि लगभग 15-16 फ़ोटो है मेरा यहाँ पर। तो मैं जूम आउट वाला इफेक्ट्स, रोटेट वाला इफेक्ट्स, ठीक है, ड्रॉप वाला इफेक्ट, सारा इफेक्ट मैं लगा लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से लगा लेना। ब्लर वाला इफेक्ट भी है तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। तो मैंने सारे इफेक्ट्स लगा दिया। अब नीचे जो प्लस का ऑप्शन है उस प्लस का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जो एनिमेशन देना चाहते हो मतलब कि जो एनिमेशन आप उस एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद इसका रेजोल्यूशन को नीचे कम से ज़्यादा कर सकते हो। तो इस एनिमेशन को लगाने के बाद अप्लाई टू ऑल कर देना, नीचे आप लोग को अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अप्लाई टू ऑल करने के बाद आप लोग अपना वीडियो एक बार देख ही सकते हो। तो मैंने तो इस वीडियो को स्प्रीड में एडिट किया है, तो आप लोग इसलिए आप लोगों को ये वीडियो स्प्रीड में दिखाई दे रहा है। फिर इस वीडियो को आप लोग एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद इसी वीडियो को आप लोगों को इस VN एप्लीकेशन पर फिर से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इससे आप लोगों को जो इसका जो फोटो वाला पार्ट है उसे आप लोगों को थोड़ा स्लो करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में जो बीट आया है। तो स्लो करने के लिए पहले तो लास्ट में अपना जो लोगो है उसे डिलीट करने के बाद जब फोटो वाला पार्ट आती है तभी अपना मेन वीडियो को स्प्लिट कर लेना होगा, ठीक है। तो मैंने स्प्लिट कर लिया। अब जिस पर फोटो वाला पार्ट है उसे उस पर क्लिक करने के बाद स्प्लिट वाला ऑप्शन पर जाके आप लोगों को इसे स्लो कर देना होगा, आप लोग जितना तक स्लो करना चाहते हो। तो स्लो करने के बाद आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। फिर वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपका वीडियो आप यूज़ कर सकते हो कॉपीराइट फ्री। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।